नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैलकुलेटर आप कैसे बनाएंगे, HTML और CSS3 का यूज करके आप कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। तो ये आपके सामने जो कैलकुलेटर दिख रहा है ये HTML और CSS का यूज करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 + 6 = यहाँ पर इक्वल टू आप करेंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये कैसे बनाना है तो चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर मैं एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैंने दिया है कैलकुलेटर, ये देख रहे हैं। इसके डिजाइनिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसकी डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक DIV लेना होगा, एक DIV, और इस DIV के अंदर आपको कई सारे पैराग्राफ टैग यहाँ पे लेने होंगे जी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक DIV लिया हुआ है जिसका मैंने क्लास दिया है बॉक्स, और फिर एक उसके अंदर एक और DIV लिया है जिसका क्लास मैंने दिया डिस्प्ले। और डिस्प्ले बेसिकली ये जो DIV है यहाँ पर आप जो ये टेक्स्ट देख रहे हैं ना, और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हम आउटपुट शो कर रहे हैं ये डिस्प्ले के लिए है DIV। और तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है, उसके बाद इसमें हम साइज के 18 यानी एक साथ ये 18 डिजिट जो है एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर जो दूसरा DIV, तीसरा जो DIV है वो कीज के लिए। तो जितनी भी आप यहाँ पर जितनी भी बटन देख रहे हैं तो ये एक DIV में है, ठीक है। तो डिस्प्ले एक DIV में है, ये सारी बटन एक DIV में है, और ये पूरा कैलकुलेटर एक DIV में है, ओके। तो कीज के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ठीक है 5, तो 5 पैराग्राफ यहाँ पे टैग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ओके। तो मैं आपको दिखा दूँ करना क्या है। तो पहला जो पैराग्राफ टैग है इसको मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर मैंने 4 इनपुट टैग यहाँ पे लिए रखे हैं मैंने। तो इनमें 4 मैंने बटन लिए हैं, और इन बटन्स का जो क्लास है बटन ग्रे, क्लास का नाम बटन ग्रे, और जो एक अनदर जो बटन है उसका नाम मैंने दिया है बटन पिंक, क्लास जो नाम है वो है बटन पिंक। तो ये जो है ये मेमोरी में प्लस, मेमोरी माइनस, और ये मेमोरी क्लियर करने के लिए। तो और ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, CCC नाम है उसका। और यहाँ पे जो है स्लैश जो देख रहे हैं इसके लिए हम ऑन क्लिक वी नाम का एक मेथड होगा, फंक्शन होगा, उसको कॉल करेंगे। उस पर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसके अंदर हम लेंगे फिर से 4 इनपुट टाइप वाले टेक्स्ट टैग लेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये 6, 7, 8, 9 ये 3 बटन और प्लस मल्टीप्लाई, तो 4-4 का ग्रुप बना के हम चल रहे हैं। तो जो आप डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे 4-4 का ग्रुप, तो यहाँ पे पहला रो ये, फिर दूसरा रो 7, 8, 9 और मल्टीप्लाई, फिर 4, 5, 6 और माइनस। तो इस तरह से नेक्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पे, फिर से आपको यहाँ पे बनाने होंगे 4, फिर आपको इनपुट टाइप वाले टैग लेने हैं इसमें 4, 5, 6 और माइनस। फिर नेक्स्ट में आपको करना है यहाँ पे फिर से 1, 2, 3 एंड प्लस, एंड नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पे लेना है जो है 0.c और इक्वल टू, ये 4 लेने हैं। तो ये रहा इसका डिजाइन, ओके। तो डिजाइन आप इस तरह से इसका बना लेंगे, और इसे हम कर लेते हैं सेव। तो आप ये जो डिजाइन देख रहे हैं तो ये रो में मैंने क्रिएट किया है, तो ये ऐसा डिजाइन बन जाएगा। और अब हम चलेंगे इसके CSS की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक CSS फाइल मैंने ऐड कर रखा है, तो आप कैसे ऐड करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड न्यू आइटम पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो स्टाइल से वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, इसका कोई नाम देना हो तो देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है तो एक स्टाइल फाइल ये ऐड हो जाएगी। तो इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो इस फाइल में आपको जो CSS का कोड लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले बॉडी के लिए आप लिखेंगे, तो पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर आपने ग्रे कर दिया यानी ब्लैक कर दिया। फिर यहाँ पे बॉक्स का कलर हम, तो यहाँ पे बॉक्स के लिए हम CSS लिखेंगे, तो बॉक्स के लिए CSS लिख दिया। अब जो डिस्प्ले है हमारा यानी कि जहाँ पे हम आउटपुट शो करेंगे, जहाँ पे एडिशन करेंगे और रिजल्ट हमें दिखाई देगा, ये उसका है। उस पर हम चलेंगे डिस्प्ले इनपुट पे, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपकी कीज है, जितने भी अपने बटन्स लिए हैं उन सब का। तो यहाँ से हम बटन्स के लुक एंड फील को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बटन के लिए है, और ये जो ग्रे बटन के लिए हमने बनाया था वो, और यहाँ पे ये पिंक बटन का CSS कोड, और यहाँ पे जितने भी ब्लैक बटन है उनके कोड, और ये ऑरेंज वाले जितने भी बटन है ये उनके, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ग्रे एक्टिव और पिंक एक्टिव, इन सब पे यहाँ पर जो भी हमारे शुडो क्लास के यहाँ पे मेथड है, ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये ऑरेंज क्लास के लिए, और ये पी। तो ये रहा हमारा पूरा CSS का कोड है जो हम यहाँ इस कैलकुलेटर को बनाने में यूज कर रहे हैं, और इसे हम सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम
जब इस पेज को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मान लो मैं 100 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ तो आपको मिलेगा 500, डिवाइड बाय मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ तो आपको ये मिलेगा, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं तो आपको ये मिलेगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है, आप इसे छोटा सा प्रोजेक्ट के तौर पर आप दे सकते हैं स्कूल कॉलेज में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नए चैनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।